गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे वी विल कंटिन्यू द टॉपिक डेटाबेस एंड टुडे वी विल डिस्कस फर्दर एंड द टर्म डीबीएमएस विल बी डिस्कस टुडे। डीबीएमएस क्या होता है और डेटाबेस से कैसा इसका लिंक है, उन सब के बारे में बात होगी। तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म देख लेते हैं। डीबीएमएस इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS is Database Management System. DBMS is Database Management System. Actually, DBMS is a software. DBMS is a software which is developed to maintain database. DBMS is a software that is used to maintain the database. तो इसको अगर हम लिखें इसकी proper definition, it is a कंप्यूटर बेस्ड डेटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम। डेटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम, अब जब कंप्यूटर बेस्ड कह दिया इसका मतलब है इट इज अ सॉफ्टवेयर। इसको हम ये भी कह सकते हैं इट इज अ सॉफ्टवेयर विच यूज टू मैनेज डेटाबेस। ओके, अभी हमने इससे पहले पिछली क्लास में हमने बात की थी डेटाबेस इज ऑफ टू टाइप, फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल। फ्लैट फाइल डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस के बारे में बात की थी, एग्जांपल में बताया था। फ्लैट फाइल डेटाबेस का एग्जांपल है आपका एमएस एक्सेल, जिसमें एक ही बहुत बड़ी टेबल होती है जिसमें सारा डेटा आता है। और दूसरी बताई थी रिलेशनल डेटाबेस, जिसमें क्या होता है बहुत सारी छोटी छोटी टेबल्स होती हैं और किसी कॉमन फील्ड के बेस पे वो आपस में लिंक होती हैं। तो एक्चुअली डीबीएमएस वर्क करता है रिलेशनल डेटाबेस पे। डीबीएमएस वर्क्स विद रिलेशनल डेटाबेस। आगे इसके बारे में बात करते हैं, डीबीएमएस के कुछ फीचर्स लिख लेते हैं। फीचर्स ऑफ डीबीएमएस, डीबीएमएस के फीचर्स की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं टेबल की। एक्चुअली अगर हम बात करें डीबीएमएस की, सबसे पहले टेबल ही आता है। फर्स्ट क्लास में हमने बताया था कि जो भी इंफॉर्मेशन आप सेव करते हैं कंप्यूटर में वो आपकी इंडेक्स फॉर्म में एज अ टेबल ही स्टोर होती है। ठीक है, कुछ भी स्टोर करें वो टेबल की फॉर्म में ही स्टोर होगा। इट मींस विद प्रॉपर इंडेक्सिंग एंड ऑल। और कुछ इंडेक्सिंग उसे नहीं मिलेगी तो वो डेट और टाइम की इंडेक्सिंग डाल के आपका डेटा जो है वो यहाँ पर डाल देगा। इट मींस दिस विल बी इंडेक्स अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है, वैसे टेबल के बारे में एक बार बताया जा चुका है लेकिन फिर भी टेबल को एक बार फिर से देखेंगे ताकि इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। टेबल के बाद हमारे पास दूसरी चीज आती है, दैट इज क्वेरी। अब क्वेरीज क्या होती हैं अभी बात करेंगे इसके बारे में। क्वेरीज के बाद आपके पास आता है फॉर्म, और फॉर्म के बाद आती है रिपोर्ट। ये चार जो हैं ये मेन पार्ट्स हैं या मेन फीचर्स हैं किसी भी डीबीएमएस के। कोई भी डीबीएमएस हो, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में डेवलप्ड हो, तो उसमें ये चारों चीज़ें होती ही होती हैं, तभी वो डीबीएमएस कहलाता है। क्या होती हैं ये चारों चीज़ें, एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया टेबल। क्या होता है भाई टेबल, देख लेते हैं। टेबल पिछले टर्न पे बात की थी हमने, अ टेबल इज व्हाट, अ टेबल इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यूज। ऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यूज है, या यू कैन से अ टेबल इज दैट ऑर्गेनाइजेस डेटा इन वेरियस रोज एंड कॉलम, और यू कैन से अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, देयर कुड बी मेनी डेफिनेशंस ऑफ अ टेबल, बट प्रॉपर डेफिनेशन ये होगी, अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम एंड यूज टू कलेक्ट एंड स्टोर डेटा। ओके, डेफिनेशंस, कोई भी डेफिनेशन आप सिर्फ तभी लिख पाते हैं जब आप उस चीज को समझ पाते हैं कि ये चीज है क्या। अगर आप समझ गए टेबल क्या है तो आप इसकी डेफिनेशन अपने आप बना लेंगे। एज यू कैन सी टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड यूज टू स्टोर डेटा, सिंपल। अगेन फिर से एक बार बात करते हैं, व्हाट इज टेबल, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड यूज्ड टू स्टोर डेटा। डेफिनेशन क्लियर हो गई। ओके,
अब बात करते हैं टेबल के बारे में। लास्ट टाइम जो बात की थी लगभग वही है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर। नाउ दिस इज़ एन इन्फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक पर्सन की आप यहाँ इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, लाइक दिस यू विल टेक ऑल दिस वैल्यूज, ओके। अब जो भी डेटा दिया आपने यहाँ पे, कुछ भी डेटा दिया, वो आपका डेटा आ गया। टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल। आई टोल्ड यू दिस इज अ सेल, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज अ सेल। किसी भी सेल को आप क्लिक करते हैं, वो सेल हाईलाइटेड हो जाता है, दैट मीन दैट सेल इज नाउ एक्टिव सेल। अब ये जो स्टार्टिंग लिखे होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? दीज आर फील्ड नेम्स, दीज आर फील्ड नेम दैट आर यूज टू आइडेंटिफाई वेरियस फील्ड्स, जिनकी हेल्प से हम फील्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से फील्ड्स हैं, ओके। यानी मोबाइल नंबर तो इसमें सिर्फ मोबाइल नंबर होंगे इस कॉलम में, रोल नंबर तो इस कॉलम में सिर्फ रोल नंबर्स होंगे, ओके। एंड यू नो दीज आर द कॉलम्स, एंड कॉलम्स आर कॉल्ड फील्ड्स। ये आपके फील्ड हैं, चार फील्ड हैं इसमें, ओके। एंड देन इफ वी गो फॉर रिकॉर्ड, दीज आर द रिकॉर्ड, वी हैव थ्री रिकॉर्ड्स हियर, पहली हेडिंग है उसे छोड़ देते हैं, बाकी ये तीन रिकॉर्ड हैं, ये किसी भी एक पर्सन के बारे में उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ओके। आई थिंक टेबल इसमें क्लियर करनी चाहिए। जो भी इसमें वैल्यू आएगी, सपोज हमने रोल नंबर यहाँ पे लिया 5, तो नाउ द रोल नंबर 5 विल बी नोन एज डेटा आइटम, इट विल बी नोन एज डेटा आइटम, ओके। ये एक आइटम है, मतलब ये एक डेटा आइटम है, ये एक वैल्यू है जो आपने स्टोर की हुई है टेबल में, ओके। टेबल का नॉर्मली हम कोई नाम भी रखते हैं ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें। टेबल का हम कोई नाम भी देते हैं, सपोज हमने यहाँ नाम दे दिया टेबल का स्टूडेंट, नाउ इट विल बी योर टेबल नेम, इट विल बी टेबल नेम, ओके। अब टेबल में एक खास चीज़ होती है, क्या खास चीज़ होती है? टेबल में ये जो आपकी फील्ड्स होते हैं इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, जिन्हें कहते हैं कीज़। टेबल में जो फील्ड्स होती हैं उन्हें एक और नाम से जाना जाता है, कीज़, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ सुनी होगी, दैट इज़ प्राइमरी की। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? जो सबसे पहले पूछा जाए, जिसको सबसे पहले ज़रूरत होती है। तो किसी टेबल को इजीली रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें ज़रूरत होती है प्राइमरी की। प्राइमरी की का यूज़ क्या है बताते हैं। सपोज हमने यहाँ रोल नंबर लिया, रोल नंबर 5 है, 6 है, 4 है, तो बाकी डेटा रिपीट हो सकता है, बट रोल नंबर कैन नॉट बी रिपीटेड। रोल नंबर रिपीट नहीं हो सकते, रोल नंबर यूनिक ही होते हैं, रोल नंबर आपका यूनिक होता है, एंड रोल नंबर इज यूज टू आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड यूनिकली। हर एक रिकॉर्ड को यूनिक बनाने का काम करता है आपका प्राइमरी की, ओके। तो प्राइमरी की इज अ फील्ड विच यूज टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड यूनिकली। ये रिकॉर्ड इससे अलग हो जाएगा, मान लो फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो अमित शर्मा, ये भी अमित शर्मा हो बट अलग हुआ। अब यहाँ पे एक और हमारे पास फील्ड है, दैट इज मोबाइल, ठीक है। मोबाइल नंबर अगर हैं तो मोबाइल नंबर भी आपके सेपरेट होंगे, ठीक है। तो बाय दिस वी गेट टू नो कि प्राइमरी की हमारी एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, पॉसिबल हैं। जैसे रोल नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मेनी थिंग्स। तो मोबाइल नंबर आपके भी आपका एज अ प्राइमरी की वर्क करता है। इसको ऐसे समझते हैं, जब अपना मोबाइल आप खोलते हैं तो मोबाइल में आप खोलते टाइम आप क्या यूज़ कर सकते हैं? फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यूज़ कर सकते हैं, पासवर्ड पासवर्ड प्रोटेक्शन भी हो सकता है, और फेस रिकॉग्निशन भी हो सकता है। तो एक साथ आपने तीन चीज़ें यूज़ की हुई। इन द सेम सेंस यहाँ पे एक से ज़्यादा प्राइमरी की बनने के लिए एक से ज़्यादा फील्ड एलिजिबल हो सकते हैं, ओके। आफ्टर दिस टेबल वी विल मूव टू क्वेरी। अब क्वेरी क्या होता है, क्वेरी के बारे में देखते हैं। क्वेरी को हम कहते हैं, अ क्वेरी इज अ क्वेश्चन। हम जब बात करते हैं क्वेरी की तो लिखते हैं, अ क्वेरी इज अ क्वेश्चन, अ क्वेरी इज अ क्वेश्चन दैट यू आस्क टू डेटाबेस, दैट यू आस्क टू डेटाबेस। एक ऐसा क्वेश्चन जो आप डेटाबेस से पूछते हैं। इसका नॉर्मल एग्जांपल देते हैं। सपोज यू आर इन क्लास एंड देयर इज अ पीरियोडिक टेस्ट 1,
ओके, आफ्टर योर प्रायोरिटी टेस्ट इज ओवर एंड योर शीट्स आर चेक, देन यू ओकेजनली आस्क योर टीचर, सर हाउ मेनी मार्क्स डिड आई गेट, ओके। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ क्वेरी, अ सिंपल क्वेरी जो आप फायर करते हैं, इट मीन अ सिंपल क्वेरी आप रेज करते हैं कि आपको इसका आंसर मिल जाए, ओके। लाइक सी हम यहाँ पे एक बना के देते हैं, गिव फर्स्ट नेम ऑफ टेबल, टेबल का नाम जैसे हमने लिया था स्टूडेंट, ओके, टेबल स्टूडेंट हुज रोल नंबर इज 5। तो दिस इज अ क्वेरी, यू आर आस्किंग फर्स्ट नेम फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट हुज रोल नंबर इज 5। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, इट विल गो फॉर रोल नंबर 5, इट विल फाइंड रोल नंबर 5 और फिर देखेगा आप कौन सा फील्ड चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ फर्स्ट नेम, देन इट विल गो फॉर फर्स्ट नेम, टेबल कौन सी स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल के अंदर से रोल नंबर ढूंढेगा 5 और वो जहां मिलेगा वो फर्स्ट नेम यहां पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा, ओके। तो क्वेरी इज व्हाट, अ क्वेरी द क्वेश्चन दैट यू आस्क टू डेटाबेस, यानी डेटाबेस से कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, शो करनी है, देन तो उसके लिए हम क्वेरी यूज करते हैं, ओके। आफ्टर वी गेट क्वेरी द नेक्स्ट पार्ट इज फॉर्म, अब नेक्स्ट पार्ट आ गया फॉर्म, अब फॉर्म समझते हैं, फॉर्म को बिल्कुल इसी तरह देखें जैसे आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, चाहे ऑफलाइन इवेंट में हो, आपका पेपर पे हो फॉर्म वो फिल कर रहे हैं, या ऑनलाइन, तो ऑनलाइन वाला ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर हम ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं सपोज, तो इट विल बी लाइक दिस, सपोज आपको अपनी एंट्री फीड करनी है ऑनलाइन, तो क्या होगा, ये हम लिख दिया ऑनलाइन फॉर्म, तो उसमें आपका मांगेगा फर्स्ट नेम, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट होगा एक, देन लास्ट नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट होगा, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, देन रोल नंबर, रोल नंबर आ गया, फिर आपने मोबाइल नंबर डाल दिया, मोबाइल नंबर आएगा, फिर यहाँ पे आएगा ऐड, कैंसिल, ये तो आपके बटन्स हैं जो वर्क करने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम डाला अपना, लास्ट नेम डाला, रोल नंबर डाला, मोबाइल नंबर और ऐड पे क्लिक कर दी। एज सून एज यू क्लिक ऑन द ऐड, तो आपने जो भी ए बी सी डी इन्फॉर्मेशन डाली थी वो इन्फॉर्मेशन सीधे नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे ए बी सी डी सेव हो जाएगी, गॉट इट, यानी आपका फॉर्म आपकी टेबल से लिंक होता है, यहाँ आप जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो फंक्शन यहाँ पे आ जाता है। एक और चीज़ बताते हैं, अब मान लो इसके यहाँ पे आपने एक और रख दिया यहाँ पे बटन, और जिसका नाम रख दिया सर्च, तो इसमें क्या सर्च करेगा, फिर आपने क्या किया, बाकी सारी डिटेल तो गायब हो गई, क्लियर वाला बटन ले सकते हैं, और आपने यहाँ लिख दिया बी, या आपने लिख दिया एक्स, कि एक्स फर्स्ट नेम जिसका है, ठीक, उसकी डिटेल आ जाए, और आपने सर्च पे क्लिक किया, जैसे ही एक्स, और एक्स क्या आपका फर्स्ट नेम, वो फर्स्ट नेम में सर्च करेगा एक्स कहाँ मिलेगा, उसकी बाकी जैसे पी फोर जेड ये दिया हुआ है, तो पी फोर और जेड यहाँ फटाफट डिस्प्ले हो जाएगा, इट मीन्स वट एवर डेटा इज स्टोर्ड मैचिंग टू दिस वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपने क्या किया, सर्च के थ्रू आपने ऐड कर लिया, सर्च कर लिया, ऐसे डिलीट बटन लगाया जा सकता है, बहुत सारे बटन लगाए जा सकते हैं, ठीक है, आपने डिलीट लगा दिया, क्लियर बटन लगा दिया, जितने बटन लगाएंगे उतनी उनकी फंक्शनैलिटी आप लिखते जाएंगे, वो वर्क होता जाएगा, ओके। तो फॉर्म ऑनलाइन ऐसा होता ना, आप अपनी वैल्यूज फीड करते जाते हैं और डिफरेंट बटन होते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, चॉइस क्या है आपकी, उसके अकॉर्डिंग वर्क होता है। और ध्यान रखें आपका फॉर्म टेबल से लिंक होता है, जो भी चेंजेस वहां होते हैं वो चेंजेस यहां रिफ्लेक्ट होते हैं, ओके। आफ्टर फॉर्म वी हैव नेक्स्ट रिपोर्ट, अब ये रिपोर्ट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, रिपोर्ट में अगर हम कहें इट इज कंसोलिडेटेड डेटा, कंसोलिडेटेड डेटा को समझें आप इस तरह से कि सारे डेटा को लेके जो मेन पार्ट थे उन्हें लेके जो उनसे रिजल्ट निकल रहा है वो सारा आपको दिखा दिया जाएगा। इसको ऐसे देखते हैं, सपोज आपके बहुत सारे टेस्ट हुए हैं, बट आफ्टर दैट अ फाइनल रिपोर्ट कार्ड इज मेड, एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड बना, एंड देन द रिपोर्ट कार्ड इज हैंडेड ओवर टू यू, वो रिपोर्ट कार्ड आपको दे दिया गया,
जब आपके पास रिपोर्ट कार्ड आ जाता है देन उसके बाद फिर आप अपने टीचर से नहीं पूछते हो मुझे कितने मार्क्स मिले। वाई? बिकॉज आपके हाथ में रिपोर्ट कार्ड है, वहाँ डिटेल इन्फॉर्मेशन है, इसमें इतने मिले, इसमें इतने मिले, एवरी थिंग इज मैंशनड इन दैट। क्वेरी में हम क्या कर रहे थे? क्वेरी में हम एक इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो वो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं क्वेरी में वो सब समराइज फॉर्म में आपके रिपोर्ट कार्ड में आ जाते हैं। इसलिए रिपोर्ट कार्ड को रिपोर्ट कार्ड बिकॉज दिस आर रिपोर्ट, ठीक है। कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपका सारा डेटा कंसोलिडेटेड फॉर्म में आ जाता है। टेबुलेटर स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं इसमें, और ग्रेड वगैरह कुछ दे रहे हैं, लाइक एवरीथिंग इज देयर इन दैट, ठीक है। तो दैट इज अ कंसोलिडेटेड डेटा, और वो आपका स्ट्रक्चर्ड वे में सारा डेटा शो कर देता है। और मेनली रिपोर्ट में जो भी आप वर्क करते हैं वो आपका प्रिंट हो सकता है। वट एवर डेटा यू आर हैविंग इन दैट रिपोर्ट दैट कैन बी प्रिंटेड बिकॉज ये आपके कंसोलिडेटेड फॉर्म में है एंड इट इज फॉर रिप्रेजेंटेशन। जो भी रिपोर्ट में डेटा आता है इट्स मेनली फॉर रिप्रेजेंटेशन, उसका मेन काम है शो करना, ठीक है। वट एवर इंफॉर्मेशन इज बींग प्रोवाइडेड उस डेटा को शो करने का काम करता है आपका रिपोर्ट, ओके। आगे बात करते हैं डिजाइनिंग आ डेटाबेस। अगर आप खुद का डेटाबेस डिजाइन करते हैं विच मीन्स आप डेटाबेस में वर्क कर रहे हैं और नाउ यू वॉन्ट टू वर्क ऑन दैट, उस पर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको क्या क्या बातें उसमें चाहिए होंगी, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिसाइड अ प्रॉपर डेटाबेस। बहुत सारे डेटाबेस अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन हम आपके लिए एक पर्टिकुलर डेटाबेस लेते हैं। जैसे द डेटाबेस यू हैव टेकन इज MySQL। MySQL इज अ डेटाबेस, तो ये डेटाबेस आपने लिया, ठीक है। आपको क्या करना है? पहली बात आपको डेटाबेस का एक नेम रखना है। यू हैव टू गिव अ नेम टू योर डेटाबेस, वॉट एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव। देन यू हैव टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन दैट, उसके अंदर आप इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे एंड ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर करेंगे, ठीक। फिर आप उसमें स्टेप्स डिसाइड करेंगे कि उसमें हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ऑल वॉट एवर थिंग यू वॉन्ट टू डू इन दैट, ठीक है, ठीक है। और जो टेबल आप बनाएंगे टेबल में भी आप ये डिसाइड करेंगे कि आप कौन कौन से फील्ड ले सकते हैं, क्या क्या वैल्यू आ सकती है, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बिफोर हैंड, पहले से आपके पास डिसाइडेड होगी, ठीक। दूसरी बात आप उसमें रिलेशनशिप भी देंगे। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है भाई? पिछली बार बताया था रिलेशनल डेटाबेस में कि दो टेबल हमारे पास, यहाँ रोल नंबर और नेम, यहाँ रोल नंबर और मार्क्स, तो रोल नंबर के बेस पे दोनों टेबल आपस में ज्वाइन है, दैट इज रिलेशनशिप, कि आप कितनी टेबल लेना चाहते हैं उन दोनों और उनके बीच में क्या क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें भी आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी, ठीक। और फिर उसके बाद आपको मेंशन करने पड़ेंगे क्या क्या ऑपरेशंस आप उन पे परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। क्वेरी बनाना चाहते हैं, फॉर्म बनाना चाहते हैं, रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, दीज ऑल, ओके। तो ये सारा आपका वर्क हुआ डेटाबेस का, ओके। डेटाबेस पढ़ा हमने और आज हमने बात करी DBMS की, DBMS के डिफरेंट फीचर्स के बारे में बात की, इसको रिवाइज करेंगे, यू विल गेट द PDF एंड तो उसको आपको वर्क कंप्लीट करके भेजेंगे, ओके। नेक्स्ट टर्न पे डेटाबेस को और DBMS के बारे में आगे और बात करेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।